आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, कहानी वाली सोनम की आवाज में। मुंशी प्रेमचंद का ये बहुत ही मशहूर उपन्यास है जो आप आज मुझसे यहाँ सुनेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पिछले भाग से आगे का भाग। नोहरी उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है इसके लिए हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल जाए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था, बेटी के ब्याह के लिए जमीन रहन रख रहा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वो तो मारे घमंड के धरती पर पाँव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूँ, आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है, मानो चाहे ना मानो वो तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं तो लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला ये जीट कब सुनने लगी, रुपए खैरात दिए थे? बड़ी देने वाली, सूद महाजन भी लेगा तुम भी लोगी, एहसान काहे का? दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिस उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए, यहाँ कोई द्वार पर नहीं खड़ा होने देता। हमने तुम्हारा मर्जात बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे, सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाखू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती, नहीं तो मुझे क्या करना था? धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई, सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है, पानी रख और जा। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा, काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियां देने लगे? अब मुंह मीठा हो गया होगा, औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था, भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वो उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गरम होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ, कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है, यही सोच? धनिया ने लल्लो चप्पो करना ना सीखा था, बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा, तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की थी, इसी छी छल्ले दर के लिए? क्या सोचते थे वो आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए, कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े, अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गणासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे, फांसी इस छीछा लेदर से अच्छी। भोला के खून में खूब स्फूर्ति आई, बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है, अब 100 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई वहां से सतवंती बनके, जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं,
आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो भोला और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों के साथ आराम से रहो, दो रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए, वो औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख ना पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा, जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए, बोला, हो रही भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई, बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था वो भी लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी, दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, तीन चार आने रोज की मजूरी करता हूँ, दूध दही मांस मच्छी रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं। भोला ये प्रतिज्ञा करके अपने घर गया। अब बेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाखू लिए चले आ रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा, आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है, नोहरी ने सचमुच इस पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वो है वैसा ही बेहया ये है, ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो सेखी ना जाने कहाँ गई, झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे ढंडा लिए फिरते रहे थे, इज्जत बिगड़ी जाती, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ गई थी, बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है, छोड़कर जाए भी तो कैसे, स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है। ये चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से बैठने ना देगी, कहीं पंचायत करेगी कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन्फुसकियां करके ही रह जाते हैं, तब तो दुनिया भी भोला को बुरा ही कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे, मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके दो महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी, ऊख के बीज के लिए उसे रुपए ना मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था, तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी ये ना सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद ना आती थी, और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब मरना चाहिए, अब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा है। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है, बेटे चाहे क्रियाकर्म कर दे लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है, जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक ये नोहरी है और एक ये चमारिन है सिलिया, देखने सुनने में उससे 10 लाख दर्जे अच्छी, चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वो निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने, धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई, सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वो कम रूपवती न थी, नोहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये पाटेश्वरी और झिंगूरी तब जवान थे, दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के 100-100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था।
उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरियां खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में जाकर काम करना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पाटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने मतादीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान की असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे बाहमन को पालागन कौन करे। माता दी ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है कि इसे पिंसिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पिंसिन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं, तुम कैसे चले। अच्छा तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में ये प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया ना आई, पूरा गर्भ लेकर वो मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया ना की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेलकर जी रही है, मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वो सिलिया को होरी के हस्ते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वो रुपए दे दे तो वो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दी ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो, कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार ना सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता। लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था, अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस बहमने का बोझ अब नहीं उठाया उठता। लुक छिप कर चाहे जितना कुकर्म करो कोई नहीं भूलता, पर अत्तच कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वो कहीं का नहीं रहता, उसका धर्म ही तो उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वो रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है परतच करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वो अकेले उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसी एक खुशखबरी सुनाए, धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वो अनाथ नहीं है, माता दीन ने उसकी बांह पकड़ ली है। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है, लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहा है। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पी पी कर कोसा था, अब वो उससे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उसको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारिन है, जात की हेठी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारों का तो सदा के लिए धर्मनाश हो गया, वो मर्याद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म नष्ट हो गया, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वो अपने घर ही चली जाती, कौन बुराई हो जाती, घर में उसे कोई बांध तो ना लेता।
देश माता दीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वो नेक धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वो क्यों ना उनके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वो अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वो अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वो सोना के पास जाकर ये सुख संवाद सुनाएगी। अब उसे रहा नहीं जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और मांझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वो एक क्षण सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा। वो उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वो मंझधार में है। मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वो घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा। वो शीत से कांपते आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ ना खुलवा सकी। लोग उसे इस भेस में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेंकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप जाकर बोली, मैं हूं सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई, वहां तो सब कुशल है। हाँ सब कुशल है, जी घबरा रहा था, सोचा सोना से मिलती आऊं, दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी थहाकर आई है, और कैसे आती, पानी कम ना था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोष से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी, तुम मेरे छोटे बहनों ही हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो, इस बखत कौन देखता है। क्या इसलिए सोना से सुंदर हूं, अपने भाग नहीं बखानते हो कि इंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है, उससे कह दू तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। ये तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं सिल्लो, उससे न कहना, अभी जो चाहो सजा दे लो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमा कर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे शरारत न करना और ना ही किसी और से करना, नहीं तो सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब ऐसा कभी ना होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहो करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहां। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है, खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है और दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगाकर खड़े हैं।
बीच में पुआलों के गड्ढे हैं, समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरैल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं, बाकी लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े होने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर ग्रहणित्व की गरिमा के साथ युवती की छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। ये वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झूठे खुले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल ना पड़ता था, पटे चिथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हसुली और हिमूल है, कानों में करण फूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहां देखकर वो प्रसन्न ना हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहां सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी, और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उससे गले लिपटकर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बिठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव की बातें होंगी, और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वो यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को, कितनी रात गए? वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वो समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधा घोकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली हो। सिल्लो निसंगी सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वो उसमें समा जाए? इतना अपमान, उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत सा अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई वैसे कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितनी ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं, पर जिस वक्त वो धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। बरसा क्या, अमृत के बदले विष, और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आईं। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण भी ठहरना असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वो कुछ ना पूछ सकी। सोना के मन में क्या है ये वो भांप रही थी। बांबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर ना निकल आए, इसके पहले ही वो वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल्लगी को वो बुरा ना समझती थी, अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छुपे की हंसी दिल्लगी को भी वो हेय समझती थी। छुटपन से ही वो बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब भी कभी हाट से आने में देर हो जाती थी तो धनिया को पता लग जाता था कि वो दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों ना गया हो। वो कई कई दिन तक होरी से बोलती ना थी और ना घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वो अपने नैहर भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई। जब तक उसका विवाह ना हुआ था ये भावना उतनी बलवान ना थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया ना आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान ना था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है,
इसी को वो प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वो प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से सांठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा, और आज वो इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर उसने उन दोनों की बातें सुन न ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वो सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और ये मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्यों, वो उसे कुछ बोलने भी ना देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? ये यहीं पर पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह ना डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर गड़ासा मार लूंगी। फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वो सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गड़ासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए फिर बोली, ये मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या कर बैठूँ कह नहीं सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वो एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करते हुए बोली, ठीक ठीक कहती हो? बिल्कुल ठीक, अपनी बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं है? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसके दांत क्यों नहीं काट खाया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्या तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों में सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, निरी बेसवा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती, और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरे के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते ना रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ, आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ सूझ ना पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो रही थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती मानो सामने गड्ढा है। वो बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था, बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रुपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में उतरी चली जा रही थी। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसके लिए लगा दी हैं। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों को कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी छुट्टियां कम दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। घुड़कियां, गालियां, यहां तक कि डंडों की मार में भी उन्हें कोई ग्लानि नहीं। और अब पुराने मजदूरों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं रह गया कि वो इसी घटी हुई मजूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करें। पंडित ओमकारनाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर विश्वास नहीं है।
उन्हें वे अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बनाए। पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते हैं, चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगते हैं। मिर्जा खुर्शेद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उनके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सबके सब बहाल हो जाएं। मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासुओं से यही कह दिया करते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वो मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मजे हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने के लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए। मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे और अब डायरेक्टरों के सामने ये सवाल आया कि वो पुरानों को बहाल करें या नयों को रहने दें। डायरेक्टरों में आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे, आधों की ये धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपये ज़्यादा खर्च होंगे ज़रूर, मगर काम उससे ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ थे, निश्चय खन्ना के ही हाथों में था और वो अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपति में स्नेह फिर से जाग उठा था। स्नेह मत कहो, मगर सहचर्य तो था ही। आपस में वो जलन और अशांति न थी, बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट हो जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ कर चुकने के बाद और आत्मवाद और अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने के बाद वो इसी तत्व पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक करता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था। यद्यपि वो अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वो अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण सुख दुख पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियां भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती हैं, मगर ईश्वर के ये विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था और वो था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत न मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा वो और कोई उपयोग न समझते थे, और ये व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और भ्रातृभाव को दृढ़ करना ही था। ये एकता, ये अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वो शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था, इसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश लोभ और कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे, इनकी तुच्छता ही उन्हें इनसे बचाने के लिए काफी थी। सेवा है अब उनका स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग हो उठी थी।
सभी मनस्वी प्राणियों में ये भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो कि वो अभी तक किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए ही मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उनके व्यवहार में मृदुता आ गई थी। हाँ, अभी तक वो शौक श्रृंगार से अपना मन हटा ना सकी थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तनों से भी कहीं ज्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़े में रात काटकर और उन्हीं का सा भोजन करके अपने को धन्य समझते थे। एक दिन वे सिमरी पहुंच गए और घूमते घामते बिलारी जा पहुंचे। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था कि मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है, याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर से कुर्सियां लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग खाट पर बैठ जाते हैं, यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठ गए। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था, इन लोगों की क्या खातिर करें, बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या। आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेता हूँ, लाओ अगर घर में हो तो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निरखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्लू बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी, इन दोनों आदमियों को देखकर कुतूहलवश ठिठक गई। मालती ने आकर उसके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार से पुकारती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लू को ठीक से मालूम न था, एक दूसरी औरत ने बताया। कोई साल भर का होगा, क्यों री? सिल्लू ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लू ने गर्व से फूल कर कहा, आप ही का तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गईं और मालती को होरी के घर में ले गईं। यहां मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें न मिलता। मालती ने देखा खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पाटेश्वरी के घर से मांगे पर आई थी। मालती जाकर बैठी, संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रहीं। धनिया ने कहा, यहाँ ये सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार, भोजन तक का तो ठिकाना नहीं है। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल जाता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार, आपका तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ है। मालती ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है? सभी स्त्रियां मुंह फेरकर मुस्कुराईं। धनिया बोली, भला ये भी छिपा रहता है, मिस साहब मुंह देखते ही पता चल जाता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती। सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी, सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चे लाएं, तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती हैं। जरा सी देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंखों में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे, इसका कारण था माता पिता को अच्छा भोजन न मिलना। मालती को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था, घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसा वो सभी गांवों में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था, क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा ना सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है, क्या ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर उसे केवल प्राण रक्षक की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों के पंजों से बचाएं?
उसने जिस किसी से ये पूछा यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजन का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता है। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई दो भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थ पड़ता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देख कर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल होती जाती थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वो विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वो रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था और वो सुगंध से महकता हुआ शरीर और वो पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोंट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वो अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वो इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें जानना चाहती थी। समय की गति ज्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीब जने जीवन को सार्थक कर रही हैं उनमें क्या वो एक दिन भी रह सकती है जिनमें अहंकार का नाम नहीं? दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नरित्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो ये सुषुप्तावस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो माता की, स्त्री जाति की पूजा करे? इसलिए कि माता को ये शिक्षा देनी नहीं आती। इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया है कि उसका रूप ही बिगड़ गया है, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया है। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों की अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति न होती थी। कई औरतों ने उससे रात को वहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उनका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम न थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे कि मिर्जा जी को साथ क्यों नहीं ले लिया, नहीं तो उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वो उसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वो ये भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वो अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता इस समय इन गवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वो इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उनके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है, जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अपने ही अंदर टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वो भी दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा, मानो वो भी उन्हीं में से एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब तक कोई संदेह न था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वो उत्कट भावना जागृत न हुई थी जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उनका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था।
अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। इसके साथ ही वो मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वो जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव न जमा लेगी वो पिछला पाँव न उठाएगी। वो जानते थे मालती के साथ छल करके वो अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती रही थी, मगर ज्यों ज्यों वो मालती को निकट से देखते थे उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, ये गुण का आकर्षण था। ये वो जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वो तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टकराव नहीं। मगर इसके पहले ये निश्चय तो कर लेना ही चाहिए कि जो पत्थर सहचर्य की खरात पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खरात पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थीं, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में ना फूट पड़ी थीं जिससे उनका सारा अंतस्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभाव को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया, और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मता का अनुभव हुआ। ज्यों ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद की और तारों की ओर सिर झुकाए नींद में समाते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालपन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालू पर कई कुलाचे मारे और फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी पे न खड़े हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तक तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं ना जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ना चलोगी उस सूनी बस्ती में जहां स्वप्नों का राज्य है? मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ, एक नाव बनाए और उस पर बैठ कर चले। वे बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियां काटकर जमा दी। कगार पर सरपत के जूट खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्ठा काट कर लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला, मालती बिगड़ रही थी। बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। वही बालकों सा उल्लास, वही अल्हड़पन, वही हट। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सियां तैयार हो गईं, झाऊ का एक बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियां दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थी। उसके छिद्रों में झाऊ की टहनियां भर दी गई जिससे पानी ऊपर ना आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, दो आदमियों का बोझ संभाल लेगी? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वो तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का है जब तुम साथ हो? सच कहती हो? अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूं। दोनों उस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी ना बना सकती। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद ये मेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं। प्रकृति से स्पर्श होते ही मुझ में नया जीवन सा जाता है। नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। ये आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं।
जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें कर्पाश में बांध लूँ, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत बार सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वो अस्थिर है। ये कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत सी कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को, अवगुण को, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की। सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के पहले हम सभी परीक्षा करते हैं, और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज़ ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा होता। मालती ने टोका, गलत कहते हो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन से तुम्हें अपना देव बनाकर हृदय, मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वो प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी, वो मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दो और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों ज्यों तुम्हारे अंतस्थल की गहराई में उतरा हूं, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूं। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे ये पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जो शायद ही कभी तुमने देखा हो, जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने उनकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उनकी समझ में ना आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर कर दूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती कि क्या करूंगी। शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बताओ? मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा,
मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा फिर अपना। मालती ने जोर से कह कहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठे। उसकी हंसी केवल उसके सिहरने को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम इतने हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूं और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम, त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पित कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द है। मैंने पुस्तकों में ऐसी ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की भी आंख नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वो उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव ना हुआ था। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे ये शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वो उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र की भांति थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और आज हो जाता है, लेकिन वो पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्र को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वो पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। मालती जो कुछ कहती थी करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना, लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर। लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे ना था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसका मन उनकी ओर झुका था। उसे वो अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वो केवल खिलौना समझती थी जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण ना था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता की बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी और तब से वो अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी वो मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वो अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वो और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और ये कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वो आदर्श उसके सामने रखा जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था जहां संदेह, ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है, और ये देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठे। मालती बोली, नहीं अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे
और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान पा लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। करज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वो इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर करज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजमी हो गया। अब उन्हें ये शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे, तो राय साहब के लिए ये बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले ना हो। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत ना उठानी पड़ी, बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खान सामा आदि सभी रख लिए गए थे। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई थी। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो उठा। ये है जीवन, नहीं विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए और अफसरों की नजरों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त महसूस हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेशा भिजवाया। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई, न मिनिस्टर होने की। वो सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर ये बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वो आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात। रुद्रपाल उस समय एमए में पढ़ता था, बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, ऋषिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की ये धन और मान लिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे, ये संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वो विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना ना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वो जो कुछ निश्चय करेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति ना होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत ना होना ख्याल में भी ना आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में कभी इतनी निराशा नहीं हुई थी, न इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बतलाना चाहता, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से भी नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो, उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। ये तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है जो हमारे सिरमौर हैं, मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा, रूप, गुण, शील, स्वभाव सभी में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है, मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने स्पष्ट हैं, लेकिन मेरा ये भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले ही निश्चय कर चुका हूं, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर क्रोध आ गया, गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है, आकर मुझसे मिलो, विलंब ना करना, मैं राजा साहब को जवान दे चुका हूं। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है मुझे अभी अवकाश नहीं। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए, दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे तैयार खड़े हुए थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ, दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था,
जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूं वो कौन लड़की है, रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा। अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वो मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा वो? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तुम्हारी अक्कल पर मुझे अफसोस होता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने तेवर चढ़ाकर कहा। मैं इस विषय में आपसे कुछ और नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी तो होगी सरोज से ही। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे ये इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गईं, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री, इलाका, पदवी, सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हो। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज्यादा ना थी। विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उनसे उसका कोई नाता ही नहीं। फिर वो क्यों जायदाद, सम्मान और अधिकार के लिए जान दें? इन्हीं लड़कों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वो क्यों तपस्या करें? और कौन संसार में बहुत दिन रहना है, उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई मूछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं, फिर वो भी क्यों ना भोग विलास में पड़े रहें? उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वो जो तपस्या कर रहे हैं वो लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वो विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वो शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वो उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है ये शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वो त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को ये जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ ना होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की ही मदद क्यों ना लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों ना करनी पड़े। जैसे उन्होंने तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी और अभी उसमें बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका है। झूठ? बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को भी ना देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर, पर ये आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहां जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वो सर्वथा अपंग है। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग है। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था, वो शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग है, सरोज भी बालिग है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। अगर जानते ये लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों? इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामत करते रहें। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वो जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहें तो मालती को समझा सकते हैं। सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हजार रुपए बल खाने से भी ये विवाह रुक जाए तो वो देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में ये बिल्कुल ख्याल न रहा
कि वो मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ नहीं होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, ये तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भांप न सके, उछल कर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं। मैंने उनकी लड़की को भी देखा है, सरोज उसके पांव की धूल भी नहीं है। मगर इस लौंडे की अकल पर पत्थर पड़ गया है, पत्थर। तुम्हारी ये गोली, आपको क्या करना है, वही पछताएगा। ओहो, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और ये नशा 10-5 दिन में अपने आप उतर जाएगा। ये प्रेम रोग कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कहिए मैं उसे दूंगा, वो चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वो आपको चाहे तो आप राजी होंगे? जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय बदल गई है। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई, समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला था। मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे, और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वो दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर से कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए थे कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यप्रद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़के की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामी की तरह हाथ बांधे न खड़े होते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं, इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अलाहकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा, इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधु आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है? मालती को आपने जाना नहीं और ना जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वो उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ, और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वो एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है, उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया। अब वो मर रही है और मालती रात रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है, वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस लेकर भी रात भर ना बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है, ये मातृत्व उनमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा है। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ, और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उससे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूंगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी, मुफ्त में शर्मिंदा होंगी। मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों, मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो बात अब स्वप्न हो गई, अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया था मगर मुझे मालूम हुआ कि मुझसे मिलकर वो कुछ खुश नहीं हुई, तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे?
राय साहब ने बेदिली के साथ कहा। जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो ये चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए आए थे वो और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब धीरे से अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी, जो और कुछ ना कर सके पर उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था, सौभाग्य से यही दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेम्बरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर ही के चर्चे हैं, ये पद हुजूर को ही शोभा देता है, वगैरह वगैरह। राय साहब मन में सोच रहे थे, ये आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है, अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, परले सिरे का बेवफा और निर्लज्ज। मगर उन्हें उन पर क्रोध ना आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि अपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे न सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं पर राय साहब की जो इज्जत है वो आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है, और आप में जो लियाकत है हुजूर वो तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया। आपने तो सीधे सीधे घर में आग लगा दी, तनखा ने अकड़ कर कहा। मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई, जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए, देना तो जानते नहीं हुजूर। आसामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए, किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को। कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने ही वाला था। ये पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरण से पवित्र किया था। ये सौभाग्य मिस्टर तनखा भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ, क्या इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई है? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए हों, मगर दिलों में जो जलन है वो तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं थी। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई न दी, वो मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ और अगर चाहूँ तो तुमको अभी पुलिस में दे सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में ना खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1,00,000 रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वैश्या से आशनाई भी कर रखी है, पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए, आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनखा, कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया, इसका कोई जवाब है आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत ना दिखलाइएगा,
दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया, धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने से दबकर निकल जाता है। जब वो चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर, आज बच्चा को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था, राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में तो और कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में ये सनक ठंडी हो जाएगी, समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे, उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार नहीं लेने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे, गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था, राजा साहब में वो नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ ना सके, जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन ये 20वीं सदी है, 12वीं सदी नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राय साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और ये नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है? नहीं तो राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से मामले न तय हो जाते? जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता ना था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख ना हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने ही बेटे ने दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गर्व बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथों से छीन लिया गया था, मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा ना था। जो कुछ कसर थी वो लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजबान थी। बाप ने जिसके साथ विवाह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अय्याज भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुड़ती रहती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण। गांव की नीच जाति की बहु बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वो जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहां कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट अधिकार, स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुष से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण अपनी पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में से एक मिस सुल्तान भी थीं जो विलायत से बार एट लॉ होकर आई थीं और यहाँ पर्दानशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। अब उनके घर में न रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत न थी,
मैके में वो बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वो दिग्विजय सिंह के मुंह पर कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उनके जिगर में चुभता रहा। वो एक अलग कोठी में रहती थी और समिष्टवादी आंदोलन में भाग लेती थी, पर वो जलन शांत न होती थी। एक दिन वो क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। शोहदे जमा थे और वैश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वो नीच शोहदे क्या टिकते। अब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वैश्या अभी तक कोने में दुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तानकर जमाना ही चाहती थी कि वैश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी और गिरकर रोने लगी। दुल्हन जी, आप मेरी जान बख्श दें, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देख कर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ, चली जा, यहाँ आप कभी ना आना। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वैश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है, आप जो समझे महारानी जी, नहीं तुम बताओ। वैश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चले, जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी, दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वो आकर अपनी कार में बैठी, हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली गई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते थे और वो भी अपनी रक्षा के लिए दो पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी, और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देखा, और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी, उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आसरे कर्ज लिए थे, वो जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वो बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से ज़रूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वो सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी, और राय साहब को अपना राजसी ठाट निभाने के लिए आसामियों पर इजाफा बेदखली और नजराना करना और लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वो प्रजा को कष्ट देना ना चाहते थे, उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों से हैरान थे। मुश्किल ये थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति ना मिलती थी। वो मोह को छोड़ना चाहते थे, पर मोह उन्हें ना छोड़ना चाहता था, और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा ना मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले पड़ती रहती थी। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज़्यादा मफरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में ठाट बाट में किसी तरह की कमी नहीं थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में ना थी। उनके मन में ऊंचे संस्कारों का ध्वंस ना पड़ा हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वो तालुकेदारी की शोभा और रोब दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट न कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गोदान, कहानी वाली सोनम की आवाज में। इसका अगला भाग मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां मैं कहानियां सुनाकर आपको आपके मूल्यों से जोड़ती हूं। धन्यवाद।